हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मैदे का पापड़, वो भी बहुत आसान तरीके से और बिल्कुल नई ट्रिक के साथ। आपको बनाते समय ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बनाने के लिए मैंने एक छोटी कटोरी मैदा लिया है, ये लगभग 100 ग्राम मैदा मैंने लिया है। तो इसे डाल देते हैं एक बड़े से बाउल में। अब हमें पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेना है। तो एक कप पानी में डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि गुल्ठियाँ ना पड़ने पाए। तो अच्छे से घोल हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैदे का घोल हमने तैयार कर लिया है, इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देते हैं, गुल्ठियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी में मैंने घोल तैयार कर लिया है। तो अब हम घोल में कुछ फ्लेवर्स डाल देते हैं। तो नमक स्वाद के अनुसार, जीरे का पाउडर, आप साबुत जीरा भी डाल सकते हैं, एक चुटकी हींग और एक चम्मच के तिहाई कलौंजी यानी करायल। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और थोड़ा सा हम फूड कलर डाल देंगे, येल्लो कलर, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे घोल तैयार है, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चलिए बनाते हैं पापड़। तो आपको हम दिखाते हैं कैसे बनाएंगे पापड़। तो बाउल को हम साइड कर देंगे और एक छोटा सा भगोना रखेंगे और इस भगोने के ऊपर एक रखेंगे कॉटन का कपड़ा, सूती कॉटन का कपड़ा, और एक डोरी से बांध देंगे अच्छे से, बिल्कुल टाइट हमें बांध देना है। तो ये देखिए, बिल्कुल टाइट हमने कर दिया है और जो किनारों किनारों में कपड़ा था उसे हमने अच्छे से ऊपर कर दिया है। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो पानी आपको इसी टाइम डालना है ताकि कपड़ा अच्छे से गीला हो जाएगा, तो पापड़ बनाने में आसानी हो जाएगी। तो हम दो तीन कप पानी डाल देंगे, हमें भगोना फुल नहीं करना है, दो तीन कप पानी डाल देना है। तो इसे चढ़ाते हैं गैस पर। तो यहाँ गैस पे हमने चढ़ा दिया है, गैस ऑन है। अब हमने लगा दिया रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल लगाने के बाद अब बनाते हैं पापड़। तो हम एक कलछुल भर के डालेंगे और अच्छे से फैला देंगे, पतला सा, ज़्यादा मोटा नहीं फैलाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला, अच्छे से फैला देना है। फैलाने के बाद हमें छोड़ देना है, लगभग 3-4 मिनट में ये पक जाएगा, हमें ढकना बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही पक जाएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से पक रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल प्रेस करके आल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो ये देखिए, पापड़ हमारा बन के तैयार है। अब हम निकाल लेते हैं। एक थाली में 3-4 पापड़ रख लेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो आपस में चिपकने लगेंगे। फिर से ऑयल लगा देंगे और हम फिर डालेंगे कलछुल से, डाल के फैला देना है अच्छे से, एक बराबर से फैला देना है। तो ये देखिए, हमने फैला दिया है, अब छोड़ देते हैं, 3-4 मिनट में अच्छे से पक जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस पापड़ को एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। आप इससे पहले आपने कभी बनाया है या नहीं, आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो अब हम धूप में डाल देते हैं। 5 पापड़ मैंने बना लिया है, अब मैं धूप में डाल देती हूँ एक एक पापड़ को। आप इस पापड़ को पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। तो मैं धूप में डाल देती हूँ। मैंने छत पर प्लास्टिक की सीट बिछाई हुई है और उसमें कोई तेल नहीं लगाया है। इसी तरह हमें सारे पापड़ को डाल देना है और सुखा लेना है। तो यहाँ सारे पापड़ अच्छे से सूख के तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं हैं हमारे पापड़, एक पापड़ भी नहीं टूटे हैं। तो चलिए इन्हें तल लेते हैं। तो यहाँ गैस पर मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म किया है, एक पापड़ डाल देती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है और कितने बड़े बड़े हमारे पापड़ बने हैं। और ये पापड़ खाने में ना बिल्कुल मुलायम। तो मैं एक पापड़ और आपको तल के दिखा देती हूँ। इसी तरह हम सारे पापड़ को तल लेंगे। तो ये देखिए, दूसरा पापड़ भी मैंने तल लिया है। इसी तरह हमें सारे पापड़ को तल लेना है। तो
फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे पापड़ हमने तल के तैयार कर लिए। आप देख रहे हैं ना कितने बड़े बड़े पापड़ हमारे बने हैं, और ये पापड़ खाने में ना बिल्कुल मुलायम है। आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलेंगे अगली रेसिपी में।